जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले से भारत के 48 जवान शहीद हो गए। वही तो ये श्रीनगर को जम्मू से जवान जा रहे थे, वो भारत के उत्तर गांव से जा रहे थे, लेकिन एक RDF की भरी हुई गाड़ी आके उसको धड़का के वो बमफोड़ हो गया और उसमें जवान शहीद हो गए। इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसलिए पूरे देश में संताप की लाट है और हम सब संभाजीनगर औरंगाबाद के कार्यकर्ते ये शहीद जवानों को नमन करते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से विनती करते हैं कि ये जो जवान शहीद हुए हैं इनका बदला लेना चाहिए और कोई भी हालत में जो पाक ऑक्युपेड कश्मीर हो या पाकिस्तान हो उसमें हमला करके ये जवानों का बदला लेना चाहिए और वही सही हद से वो श्रद्धांजलि जवानों को हो सकती है। कश्मीर में जो हमला हुआ है, भ्याड़ हमला, जिसमें पाकिस्तान का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी इसका निषेध करती है और ये पाकिस्तान को चेतावनी देती है कि भारत के 130 करोड़ जो जनता है वो एक साथ जुटी है और पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। अगर वो आंख उठाकर हमारे जवान के तरफ देखती है तो हम पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे और इसमें भारत का जो मुसलमान सब में अग्रसर रहेगा, क्योंकि भारत का मुसलमान ये भारत की अखंडता और एकता चाहता है। हम इस भ्याड़ हल्ले का निषेध करते हैं और ये संदेश देते हैं पाकिस्तान को कि 130 करोड़ भारतीय जनता, जिसमें मुस्लिम भी है, ये एकजुट होकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करे सिवा रहेगी नहीं। हम सब एक है ये नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा इस भ्याड़ हल्ले का निषेध करती है और जो हमारे जवान शहीद हो गए उनके दुख में भारतीय जनता पार्टी, अल्पसंख्यक मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी बराबर शामिल है। इतना संदेश देते हुए मैं एक मर्तबा फिर पाकिस्तान को चेतावनी देता हूँ कि ये भ्याड़ हल्ला जो है, अगर ये भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो आने वाले दिनों में मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी सरकार पाकिस्तान का नाम और निशान इस देश इस दुनिया के नक्शे से मिटा कर रहेगा। आतंकी हमला हुआ हमारे जवानों पे, उसमें आतंक जवान शहीद हुए, बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान कई सदियों से हमारे साथ ही आत्मशोधी खेलते आ रहा है, लेकिन अब हम सक्षम है उनका जवाब देने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वो इस देश के पवित्र प्रधान हैं और वो पाकिस्तान को उनकी गलतियों का सबक सिखा के रहेंगे और उनकी गलतियाँ जो है वो अभी गलती नहीं, अब पाकिस्तान का खात्मा होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया है हिंदुस्तान की आवाम से कि वो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देंगे और जल्द से जल्द जो है तो पाकिस्तान का नाम निशान खत्म होगा। और हमारी नरेंद्र मोदी जी से यही विनंती है कि इसके बाद हमारे देश का कोई जवान इस तरह से शहीद ना होए, उससे पहले वो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दे, हम सबकी ये ख्वाहिश है और DM साहब से हमारी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।